कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्वोपकारक निष्प्रियो सर्वतो सिद्धो सर्वविद्या विशारद सर्व संशयो संक्षेत्त अमलस गुरुराहित कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्वोपकारक निष्प्रियो सर्वतो सिद्धो सर्वविद्या विशारद सर्व संशयो संक्षेत्त अमलस गुरुराहित गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, भगवान जो भी करना चाहता है वो हम लोगों का मंगल के लिए ही है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, भगवान जो कुछ भी करते हैं करना चाहते हैं ये सब हमारा मंगल के लिए, हम लोगों का मंगल के लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं है। यही सत्य सिद्धांत को भूलने के लिए, यही विश्वास को छोड़ने के लिए जितना सारे मुसीबतें आन पड़े हमारा, हम लोगों का जिंदगी में जितना सारे मुसीबतें हैं इसी कारण। जो भी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं ये हमारा मंगल के लिए ही है। बद्ध जीव पहले भी बोल चुके हैं बहुत बार, बद्ध जीव अपना मंगल का बारे में सोचने जाए तो मंगल नहीं कर पाते, मंगल हो नहीं पाते, और उल्टा अमंगल ही अमंगल कर बैठते हैं अपना जिंदगी। अपेक्षिक दृष्टि में भगवान का क्रियाक्रम हमारा तो समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि अच्छा करे तो ठीक है भगवान ठीक है, और थोड़ा बहुत उल्टा हो गया कुछ, हमारा बच्चा मर गया कहाँ भगवान है, भगवान ने तो ऐसा क्यों है, भगवान ने ठेका लेकर बैठा है, किसका बच्चा मर गया, किसी का बीमारी, ये सब लेके। जबकि बार बार ये श्लोक मैंने उच्चारण की इसलिए कि इन लोगों को थोड़ा ध्यान में रहे। नादत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तवः। अज्ञान के द्वारा शतसिद्ध हमने पहले बताएं चर्चा कर चुके, ये विद्या अविद्या दोनों ही हैं अनादिकाल से, और माया के द्वारा विद्वा अप्रकाशित भूमिका में है अभी, लेकिन गुरु वैष्णव का संग मिले तो ये चेतना का विकास होना अर्थात स्वतःसिद्ध ज्ञान को प्राप्त करना कोई बड़ा बात है नहीं। भगवान अगर हमारा कुछ हमारा फेवरेबल कुछ हो जाए अनुकूल तो भगवान ठीक है, और कुछ प्रतिकूल हो जाए तुरंत गुस्सा आ जाए भगवान क्यों है। बद्ध जीवों का दर्शन जो है ये टट्टी पेशाब रक्त मांस लड़की लड़का इतना तक जाता है, बद्ध जीवों का जो दर्शन है ये टट्टी पेशाब है ये लड़की है लड़का इतना तक जाता है, इससे ऊपर जा नहीं पाता, इसी को ही अंधापन बोला जाता है। अंधापन इसी को ही बोला है, आंखें है लेकिन ये आंखें नहीं होने के बराबर है। आंखें है तो क्या देख रहा है, टट्टी पेशाब दिख रहा है, बंदर दिख रहा है, यही तो दिख रहा है और क्या। दर्शन का परिमार्जन गुरु वैष्णव का कृपा छोड़ के हो नहीं पाता, और दर्शन का परिमार्जन हर वस्तु का दर्शन एक पक्का साधु के लिए एक भगवत सेवा का उपकरण, गुरु सेवा का उपकरण है। और बद्ध जीवों के लिए जहाँ भी देखे कुछ भी करे
अपना भोगों का विषय सोचते रहते हैं हर वक्त, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भोगने का सामान और कुछ नहीं, जो कुछ भी देखे मेरा भोगने, मेरा लड़का लड़की ये भी मेरा भोगने का चीज है। भोगने का मतलब हमारा लड़का है, हमारा का हमारा बातें क्यों नहीं मानेगा, हमारा लड़का है। अरे तुम्हारा लड़का है तो ठीक है, तुम्हारा लड़का तुम्हारा अभिमान है, लेकिन कौन किसका लड़का? ये तो ठाकुर जी का रास्ते में चलने के लिए तैयार है और तुम बोले हमारा बात मानते नहीं हो। हिरण्यकशिपु अपना क्षमता दिखा रहे, प्रहलाद महाराज को डांटना शुरू कर दिया, गाली देना मारना शुरू कर दिया, खत्म कर दो इसको, हमारा खानदान के लिए ये खतरनाक है, कुलामयम हमारा कुल का बीमारी है, ये खत्म करो। जो दुनिया का आदमी है इन लोगों का ऐसा ही विचार है, असुर प्रकृति, दैव प्रकृति और असुर प्रकृति दोनों किस्म का वो आएगा, चर्चा में आएगा। तो जो भी है भगवान जो कुछ भी करते हैं हम लोगों के लिए, ये मंगल के लिए ही करते हैं, और ये सच्चाई को भूलने के लिए, ये विश्वास को छोड़ने के लिए जितना सारे मुसीबतें हमारा जिंदगी में है आ पड़ते हैं, उसके लिए ठाकुर जी को जुमा मानना उचित नहीं है। हमारा दर्शन नैरो दर्शन है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड, छोटा एकदम घटिया दर्शन, इसके लिए हम दूर का चीज देख नहीं पाते, दूर का चीज सोच नहीं पाते। जे आज हमारा इतना सारे कष्ट है, हमारा जिंदगी में भी, हमारा जिंदगी में कितना सारे कष्ट हुआ ठाकुर जी का कृपा से, कितना कष्ट हुआ आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ भी ये सच्चाई की चर्चा किया वहाँ से अत्याचार किया, जाना पड़ा, कहाँ जाए, जंगल में जाए ये तो इच्छा नहीं, फिर भी क्या करे, जंगल में या वहाँ भी तो भजन ही करे, क्या करे, ठाकुर जी का इच्छा से अब इतना तक आ पाया। हर वक्त ये उपलब्धि हुआ, पहले तो सोचा कि क्या कैसे हो गया, बाद में पता चला ये ठाकुर जी का करुणा है। ये लोग अगर ऐसा अत्याचार नहीं करते तो आज हम इस अवस्था में कैसे आते। हरि कथा कीर्तन ठाकुर जी का कृपा से, जहां भी बोलो सच्चाई का बात वहां बंद कर। पोपा जी को, पोपा जी को भी राजा मनिंद्र चंद का उधर बुलाया था, 4-5 मिनट बोलने नहीं दिया, बस करो बंद करो बकवास, भगवान का कथा मतलब सच्चा बोलो, ये बकवास है, चुटकी उड़ाओ मजाक उड़ाओ वो कोई बात नहीं, ऐसा स्थिति बन गया। अब ये लोगों का मंगल कैसे हो, यही तो बात है। जितना भी दीक्षा ले, जितना भी मठ में रहे, गुरुजी बोलते थे ये मठ में गुरुजी आर्टिकल बहुत सारे लिखा, कौन पढ़ता है, किसका हिम्मत है इतना लिखा पढ़े, देखना नहीं चाहता एक अक्षर भी, कितना सारे मठवासी का कर्तव्य, पोपा जी ने लिखा, भक्तों गुरु महाराज जी ने लिखा, बहुत सारे गुरुजी बोलते थे ये मठवास नहीं है, इसको मठवास नहीं बोला जाता, इसको कोमटवास, कोमट मतलब टट्टी घर में जो कोमट है, गुरुजी बोलते थे मठवास हुआ मंगल नहीं हुआ, कैसे हो सकता, एब्सर्ड है, ये हो ही नहीं सकता। जो भी है भगवान अभी गुरु का रोल निभा रहा है, ऐसे तो हमने शुरू किया कृपा सिंधु सुसंग पुनीत गुरु तत्व का है, तो ठीक ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अभी कृष्ण भी गुरु का काम कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु आया तो वो भी गुरु का काम कर रहा था, गुरु का काम, गुरु में कभी लघु दर्शन करना उचित नहीं। तो कृष्ण अभी गुरु का रोल निभा रहे हैं, गुरु ही है, और अर्जुन को तरह तरह के विचार समझा बुझा के उसको अपना रास्ते में लाने का कोशिश कर रहे हैं।
ये हमने देखे हैं बहुत सारे विचार करके, और इसी रास्ते में बोलते हुए बहुत सारे श्लोक चर्चा हो पाया। जमिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थो नान्यद् अस्ति इति वादिनः, ये सब चर्चा हो गया। कामात्मनः सर्गोपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्त्यानम तया पहित चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इतना तक सब चर्चा हो गया, और इसके बाद भी त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्यो सत्त्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। ये श्लोक में विचार काल प्रस्तुत किया गया, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। बाहरी दृष्टि में लगता है कि ठाकुर जी मानो कि त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो, इसका डायरेक्ट माने वर्ड टू वर्ड इसका माने निकलता है, हे अर्जुन वेद समूह त्रैगुण्य विषयक और तुमको निस्त्रैगुण्य भूमिका में जाना है, तुम निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ योगोक्षेम रहित वो आत्मवान होने का कोशिश करो। तो महाराज बाहरी दृष्टि में चर्चा करने से लगता है ठाकुर जी स्वयं वेद का खिलाफ बोल रहे हैं, वेदों का निंदा जैसा लगता है। हे अर्जुन वेद वेद समूह तमाम वेद त्रैगुण विषयक, अब जहां तक हम जाने जानकारी है ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं वेदश्च सर्वे रहमे विविध्य, सर्व तमाम वेद को पाठ करने के बाद अगर हम ना मिले, किसी ने बोले कि कोई है ही नहीं ठाकुर जी इसमें, तो इसका वेदपात फजूल है, ये वेदपाठ किया ही नहीं। वेदों का तमाम चीजों का पाठ करने के बाद यही नतीजा है कि ठाकुर जी में ठाकुर जी के चरण में पूरा मन लग जाए। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और ये जो वेद है वेदों का विचार का बारे में तत्र मुह्यन्ति सूरयो, बड़े बड़े तावर तावर बड़ा बड़ा ऋषि मनि ऋषि स्वर्गों का देवलोक देवता लोक सारे निश्चय नहीं कर पाते, अरे वो बड़ा मुश्किल के वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयो, वेद और ईश्वर अलग नहीं है। वेदः अपौरुषेय, अपौरुषेय माने नोबडी गोइंग टू क्रिएट वेद, यू कैन नॉट फाइंड एनी हिस्ट्री ऑफ वेद, इटर्नली प्रेजेंट नित्य उपस्थित है। और ईश्वर और वेद में कोई फर्क है नहीं, वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयो, देव ऋषि मुनि सब वेदों का विचार करने बैठे तो उसमें समाधान कभी कभी नहीं निकालता, मोह प्राप्त हो जाती। यहां तक कि जो स्वयं भगवान का जो प्रकाश भी, स्वयं भगवान का यू नो पहला प्रकाश विग्रह जो है बलदाव जी महाराज, बलदाव जी महाराज और भगवान में कोई फर्क नहीं, एक ही है, खाली शरीर का जो रंग है अलग है, एक ही दर्शन एक ही सब सब कुछ है, स्वभाव में थोड़ा फर्क है। ये मेरा थोड़ा सीधा साधा इंसान है, कृष्ण सारा कपट है,
ये भी इसका लिए डेकोरेशन है, ऑर्नामेंट। ये कपटा कपट भाव जो है एकमात्र कृष्ण का ही अधिकार, किसी का अधिकार नहीं, बद्ध जीवों का। और भगवान का निजी जन कभी कभी ऐसा छल्ली बल्ली करते हैं, ये भी खराब नहीं है। ये भी हम जैसा कुत्ता वैसा व्यवहार करते हैं, इसका कोई दोष नहीं। छल्ली बल्ली करना गुरु वैष्णव का कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल सीधा साधा इंसान, फिर भी करते हैं कभी कभी। देखे हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चालाकी कर रहे हैं तो हमको बस कर दिया। यहां तक कि अद्वैत गोसाई जिनके साथ महाविष्णु का पार्थक्य नहीं, एक ही है, एक गीता एक लीला करके दिखाएं। गीता पाठ करते समय अगर कोई श्लोक समझ में नहीं आ पाया तो फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे, बिना पानी बिना दाना पानी बस लगा दिया, ध्यान ध्यान लगा दिया ठाकुर जी जो इच्छा। बाद में ठाकुर जी आके बोले इसका ये माने हैं, उठो पानी दाना पानी ग्रहण करो, प्रसाद जल ग्रहण करो, ये माने हैं। तो कहाँ तक सोचे, जहाँ अद्वैत गोसाई है, जिस अद्वैत गोसाई का एक कटाक कृपा कटाक्ष से तमाम आनंद ब्रह्मांडों का ज्ञान प्रकाशित होने वाला, वो अद्वैत गोसाई सदाशिव है। सदाशिव क्या है, ज्ञान का भंडार है, भंडारी, प्रेम का भंडारी भी है। ये अगर ऐसा लीला करके दिखाए तो कहाँ तक हम लड़ाई करें, उचित भी नहीं है। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जोगो क्षेम आत्मवान। काल ए इस तक चर्चा हुआ, फिर भी नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया। वेद में चार विभाग देखा जाता है, एक है संहिता विभाग, ब्राह्मण विभाग, आरण्यक और उपनिषद। इसमें संहिता और ब्राह्मण विभाग लेकर कर्मकांडों का प्रस्तुति, ये भी जरूरी है। ठाकुर जी का बाहर तो कुछ नहीं है, कर्मकांड हो कर्मकांडी हो कुछ भी हो, बदमाश हो बेशा हो कुछ भी हो, क्या ठाकुर जी का बाहर है क्या, सभी तो ठाकुर जी का, आनंद तमाम दुनिया ठाकुर जी का है, तो हम क्या बाहर का। यही तो वो जो ये है ना, उसका नाम क्या है, मुसलमान वो ना मुसलमान भैया, उसका नाम क्या है, वो भूल गया, अभी याद है, जगन्नाथ जी मंदिर में उसको प्रवेश नहीं कर दिया गया, रासखान नहीं है और एक है, वो हम बोलते रहते हैं, अभी याद नहीं है। वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, उसको रोक दिया गया और वो रोना शुरू कर दिया। अब बोले चिल्ला चिल्ला के बोले ठाकुर जी ये जगन्नाथ, आपका नाम तो जगन्नाथ है, हम क्या जगत का बाहर है कि हमारा अधिकार नहीं है आपका चरण दर्शन करने का। आपका चरण दर्शन करने का हमारा अधिकार नहीं, हमका जगत का बाहर है, ऐसा करके तो ठाकुर जी बाहर पतित पावन का रूप में आप पहुंचे अंदर से चल के दर्शन देने के लिए। तब तक पतित पावन जगन्नाथ, हम जैसा पतितों के दर्शन के लिए जिनका है ना हर वक्त मौजूद है, कोई भी है उसको, ये जो है संहिता ब्राह्मण ये कर्मकांड है। कर्मकांड भी द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम,
एक सुंदर ये आता है, दैते भद्रा भद्रो सब मन धर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। द्वैत दर्शन जब आता है इसमें अच्छा बुरा खासा सब कुछ दर्शन लगे रहते हैं हर वक्त, लेकिन उस भूमिका में पहुंचने से परमहंस भूमिका में हमने देखे गुरु जी का सामने, इतना उम्र में गुरु जी को देखे इतना आनंद लगा, पर कोई भी आए कोई भी आए, पतित है बदमाश है बहुत घटिया काम करता है, फिर भी गुरु जी के पास आए, महाराज महाराज दंडवत कर दिया, स्पर्श कर दिया, पतित पावन तो है ही है, सब समझते थे, ऐसा नहीं कि कुछ समझते नहीं थे, समझते थे, फिर भी दर्शन में एक दर्शन है, कोई दूजा दर्शन नहीं है, ठाकुर जी का भी दूजा दर्शन नहीं, एक ही दर्शन है, फिर भी ये हमारा ही दोष है, ठाकुर जी का जो हमारे ऊपर कृपा हमारे ऊपर उपेक्षा कुछ भी है, ये हमारा ये शास्त्र में है, जैसे हम अपना दर्पण के सामने जैसे अंगुली दिखाएंगे, जैसे दिखाएंगे मुंह मोड़ेंगे दर्पण के सामने, अगर मुंह मोड़ लेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, दर्पण में जैसा दिखाओ ऐसा ही दिखेगा। ठाकुर जी का सामने भी कोई भेदभाव है नहीं ठाकुर जी का, ये सिर्फ हमारा दर्शन का खोटा है, हमारा दर्शन खराब है, जैसे मैं व्यवहार करते रहते कपट व्यवहार तो ठीक है, वो भी उपेक्षा कर देते हैं। द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्मो, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। अच्छा अगर आप प्रश्न किया जाए महाराज ये जो खराब चीजें हैं कहां से आए, कहां से आए, ठाकुर जी से अल्टीमेटली आए ना, खराब चीज जो हम खराब बोल के उपेक्षा करते वो कहां से आए, सब तो ठाकुर जी से आए हैं। असतो सदजायते, असतो सदजायते इत्यादि बहुत सारे विचार है, हैरान होने वाला विचार है, हमारा डाइवर्सिफाइड दर्शन है, ऐसे तो विचार ये है जय इसमें डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकत्वा में नानात्व दर्शन एंड नानात्व दर्शन में एक दर्शन, यही असली विचार है, जो ऐसे देखते हैं वो पक्का देखते हैं ठाकुर जी में सब कुछ है और ठाकुर जी सब में है, ये कैसा है, प्रविष्टान न प्रविष्टानि नौतेषु नौतेषु हम, ये विचार है, तमाम अनंत ब्रह्मांडो हमारा अंदर है, स्थिति है कहां, और हर वस्तु में हम प्रविष्ट है, फिर भी हमारा एक अलग सा स्वरूप है, अलग सा पश्व में जोगो में ईश्वरम, हमारा इतना जो आश्चर्य चकित होने वाला जो क्षमता ठाकुर जी का, ठाकुर जी कह रहे विचार करके देखना, देखो सब में मैं अनंत ब्रह्मांड मुझ में है, मैं सभी में प्रविष्ट होकर रहता, फिर भी हमारा अलग सा एक स्वरूप है अद्भुत, तस्व में योगो में ईश्वरम, यही तो मेरा जोग माया का प्रभाव, पश्व में योग में ईश्वरम, और ये जो है संहिता ब्राह्मण कुछ भी है तो वेदों से, और शास्त्रों का विचार अगर ये है वेदस्व चैश्वरात्मत्वात्, मतलब वेदस्व चैश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यंति सूरयो,
वेद और ईश्वर में फर्क एक ही है, और वेद को अपौरुषेय बोला गया, अपौरुषेय माने नोबडी राइट इट, इटर्नली प्रेजेंट। वेद किसी का सृष्टि नहीं है, वेद किसी ने रचना नहीं की, इन्फिनिटी प्योर अनंत काल से है। तो अगर ये वेद, अगर ठाकुर जी बोलते हैं वेद पाठ करके हमको अगर ना मिले, तो ये सर्व वेद पाठ करके हमको ही जानकारी मिलना चाहिए। अगर ये शास्त्रों का तमाम विचार है तो आपका क्या ख्याल, तो ये संहिता ब्राह्मण जो है कर्मकांड इसको काट के फेंक देना चाहिए क्या? ये वेद का कुछ नहीं है, फेंक दो। कोई कारण तो है किस लिए ठाकुर जी संहिता ब्राह्मण ये बताइए आरण्यक और उपनिषद लेके इन ज्ञान कांडों का व्यवस्थापना की, इसका पीछे क्या राज है? समाज संसार में देखा जाता है एक अपाहिज लड़का बदमाश, इसको भी माता जी प्यार करती है, चलो ये तो हमारा ही लड़का है क्या कर, तो जो कुछ भी है बदमाश है कुछ भी है, वो मुस्लिम आदमी का नाम जो भूल गया था वो सालवेग है, सालवेग, इनके माँ ब्राह्मण घराने का बहुत सुंदरी ब्यूटिफुल लेडी, किसी बादशाह ने उसको उठा के ले गए रास्ता से, और जो बच्चा पैदा हुआ वो मैया का जो असर पड़ा, मैया का जो प्रभाव है भक्तिमती, ये ठाकुर जी का इच्छा, और इसका नाम सालवेग। सालवेग का सर पे एक खत हुआ था बीमारी, इतना खर्चा किया इतना कि फिर भी हो नहीं रहा है ठीक, फिर अंतिम ने माता ने उपदेश दी तू एक काम कर सालवेग, तू चला जा जगन्नाथ को जाके प्रार्थना कर दे, ऐसे तो उड़ीसा में तो जगन्नाथ का प्रभाव तो है ही, तमाम दुनिया में है, कहाँ उड़ीसा में, तो वहां जाके जगन्नाथ को प्रार्थना करने के लिए गए तो आपको दर्शन करे, शरीर छोड़ दे तो ठीक है, शरीर तो छोड़ना ही है लेकिन आपका दर्शन थोड़ा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि उसको प्रवेश करना माना है, प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया। तो अंतिम में ये घटना जो भी है छोड़ो, अभी जो कर्मकांड है समाज संसार में अगर देखा जाता है कोई अपाहिज लड़का है, बेरोजगारी लड़का है, फिर भी मैया का प्रीति तो है ही है, मेरा लड़का है, इसलिए ये सोच के चलो कि तमाम दुनिया का जो आदमी भक्ति बोल के जो चीज अभी तक समझा नहीं, अभी तक तो समझा नहीं, ऐसे तो चैतन्य भागवत में यहां तक कहा गया श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज, जे कोई माने कोई ना माने कुछ भी हो सब उसका दास, क्यों माने क्यों ना माने सकले तार दास, दास मतलब भगवान का दास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तमाम ठाकुर जी का ही सेवा में लगे हुए हैं। अगर माया का सेवा करे, अरे माया का सेवा तो हमारा बस माया का सेवा, माया का सेवा भी तो एक सेवा है, ये भी तो किसी हैं, कोई पुलिस अगर है तो चोर तो चाहिए, चोर नहीं है तो पुलिस का क्या काम है, पुलिस तो बेरोजगार हो जाए बेकार हो जाए, तो सब जरूरी है डाइवर्सिटी। ये जगत जो है इसमें जो महापुरुष लोग है परमहंस लोग है ये मजा लेते हैं, लोग तो रोते रहते हैं परमहंस लोग तो हंसते रहते हा 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 कर, क्या दुख है दुनिया में, दुख बोल के चुज है जो रो रहा है तू, कुछ है ही नहीं दुख असु। ये जो है विचार जो माया का सेवा तो कर रहा है कम से कम, माया का सेवा भी कहां से आया, वो तो ठाकुर जी से ही आया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ऑल बिजी इन भगवत सेवा, ये विचार है।
प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से तमाम दुनिया ठाकुर जी का ही जाने अनजाने में ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन कोई अगर देवता का सेवा करे, कोई माया का सेवा करे, दैट इज नॉट द रूल, ये विधान नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी बोले कोई अगर देवता का पूजा उतारे करे, ठीक है कर रहे हैं, उसका उसी देवता में उसका निष्ठा को दृढ़ करने के लिए, फिक्स करने के लिए वेदों में कभी कभी ब्रह्मा का प्रशंसा, कभी कभी शंकर का प्रशंसा, तमोगुणी शास्त्रों में ऐसा है। ये अगर नहीं है तो उसको भटक जाएगा। ठीक है, कम से कम उसका जो रैंक है, अभी तक जहां तक पहुंचा हूं इसमें यही ठीक है, यहां तक ही कम से कम कर ले, इसी में जो रेस्ट्रिक्शन है कम से कम इसको पालन करे, आगे चल के वो समझेगा नहीं ये तो ठीक नहीं था, हमने गलत किया। जोर जबरदस्ती करना मुश्किल है। तो ये जो विचार है इसमें माया का सेवा कर रहा है फिर भी ठाकुर जी का ही है इनडायरेक्टली, माया तो ठाकुर जी से ही आया है, माया किसका है, ठाकुर जी का ही है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने सही बताए सिद्धांत, केहो माने केहो ना माने सकले तार दास, एवरीबॉडी हर आदमी हर जीव भगवान का दास, चाहे जंगल में टाइगर हो शेर है वो भी सेवा कर रहा है। सब इतना ही फर्क है, वो अनजाने में कर रहा है वो जानने में कर, यही फर्क है। तो तमाम दुनिया आया विष्णु से, विष्णु से आया था वैष्णव है, तो घुमा फिरा के मैथमेटिक्स कमा भी, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ए इजुगल टू बी, बी इजुगल टू सी, सी इजुगल टू डी, तो नेचुरली ए इजुगल टू डी लॉजिक है। तमाम दुनिया विष्णु से आए हुए हैं, तो वैष्णव है ही है, जाने में अनजाने में सारे वैष्णव ही है। जो कर्मकांडी में लगे हुए हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसका कर्मकांडी के लगन है, उसका चाहत है, ये चाहिए वो चाहिए, पुत्र चाहिए धन चाहिए, ठीक है करने दो, करने दो, कहाँ तक करे, आना तो है एक ही रास्ता में, अंतिम में कोई दूसरा रास्ता है नहीं, कान खोल के सुन लो, अंतिम में कोई रास्ता है नहीं, घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल हैव टू कम, यही रास्ते में आना है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आज गाली दोगे कृष्णों को, कुछ करोगे, कुछ भी करो, वैष्णवों को अपमान करो, कुछ भी करो, कहां तो घूमोगे, अनंत ब्रह्मांड घूमते रहो, कोई समाधान नहीं। तो संहिता और ब्राह्मण को लेके अगर कर्मकांड हुआ है ठाकुर जी का, ये अगर व्यवस्था है, इसमें खराबी क्या है, क्योंकि इसका लिए भी तो कोई है जिसका अभी तक उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाए, उसका लिए तो ये ठीक है, कम से कम गाइडेंस मिले, कर्मकांड ये करना पड़ेगा, ये करो तो ये मिले, ठीक है चलो। ये जो है ये सही बात है कि हर आदमी का एक एक अलग अलग का निचार है पूर्व संस्कार के अनुसार। अगर ये जो सृष्टि है अभी का सृष्टि जो दिखाई पड़ता है, अगर तमाम सृष्टि ध्वंस हो जाए, तमाम जीवों का जो सीड है, सीड बीज है, बीज तो ठाकुर जी में ही रहे, और जो पुनः सृष्टि का समय आएगा तो ठाकुर जी सृष्टि करें, उसमें यही सब जीव अपना अपना संस्कार के अनुसार प्रकृति का गर्भ, प्रकृति मैया का गर्भ से फिर जन्म लेगा, यही तो इतिहास है, और क्या है। सभी का ये विचार है, और वेदवाद रतः पहले श्लोक, इसका पहले श्लोक 44 नंबर श्लोक में वेदवाद रतः, वेद का जो वाद है, बाहरी दृष्टि में जो शब्दों का जो माने निकलता है
उसी में वो लोग रमनते, उसी में वो लोग रमन करते रहते हैं। चलो इसका यही नसीब है। वेदवाद रतहा पार्थो नान, अरे कुछ नहीं है, क्या रखा है, कुछ नहीं है, मजा करो, ये किया कर्म करो, उसका फल एंजॉय करो। चार्वक जैसे है, नास्तिक, ओ ठाकुर भगुर कुछ नहीं है, भगवान क्या चीज है, भगवास भले जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियोगे सुखी होके जियो, एंजॉय करो। चार्वक नास्तिक, चार्वक ऋषि ये भी है, देखो विचित्र संसार है, ये भी एक ऋषि है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृतम विवेत, अरे अगर पैसा नहीं है तो उधार करके घी पियो। भस्मी भूत देहस्य पुनरागमन, पुनरागमनम कुतो, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो, अरे अगर जला देगा तुम्हारा शरीर तो राग बन जाएगा। वो क्या ना, क्या कहा जा, ये एक ही जन्म है और दूसरा जन्म स्वीकार किया ही नहीं। बोले कितना विचार सुंदर है, देखो बोला भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो, अरे कहां से नया आएगा, जला दिया तो चला गया बस, चल। ऐसा विचार करने वाले वेदवाद रतः, काल चर्चा हो गया और टाइम नहीं है, और जन्म कर्म फलप्रद क्रिया विशेष बोलाम सारे, जिन लोगों का भोग ईश्वर्य प्राप्ति के लिए उपाय स्वरूप ये विविध क्रिया कलाप का उपदेश दिया गया, इसमें क्या खराबी है, कम से कम इतना तक जाए उसका बात तो चलते रहेगा, ये तो एक जिंदगी ना, अनफिनिटी पीरियड चलते रहेगा, इसमें क्या खराबी है ठाकुर जी का, जे इसको वेद से काट के फेंक दे, वेद तो ईश्वर है, ईश्वर का कुछ विचार गहरा विचार है। सो संगीता ब्राह्मण को इसको टारगेट करते हुए ही ठाकुर जी ने ये बात को बताया, ऐसा नहीं ठाकुर जी एक बार बोले वेदस्य सर्वरहमे विविद्यो, वेदस्य सर्वरहमे विविद्यो, आ दूसरे बार बोले अरे वेद तो बेकार है फेंको, ये हो ही नहीं सकता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इसमें गहरा विचार ये है, जे वेद में त्रिगुणात्मक यहाँ तक कि सा तमाम जो कुछ भी है वेद में, धनुर्विद्या आयुर्वेद क्या कुछ नहीं है, वेद में सब कुछ है, तो अपना अपना हिसाब से सब लेता है, तमाम चीजें हैं। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी एक दफे वेद को प्रशंसा किया एक दफे निंदा किया, त्रैगुण्य विषया वेदा ये बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफा ये दिखाई पड़ता है, अर्जुन वेद समूह जो है त्रिगुणात्मक है, विषयक तुम निस्त्रैगुण, मतलब ये तो निंदा ही है एक किस्म का। बोले नहीं ये निंदा नहीं है, इसमें ये जो कर्म कांड है इसका अनित्व है, इसमें खराबी मिलता है, इसमें कभी मंगल नहीं मिलता है, लेकिन ठाकुर जी क्या करें, ये बेचारे के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये कैसे आगे बढ़े, कर दिया लेकिन ठाकुर जी का अप्रूवल बिल्कुल नहीं है, अंदर से ठाकुर जी का अप्रूवल नहीं है कि कर्म करने में फंसे रहे, लेकिन फिर भी करना पड़ा। ये जो वर्ण, ये जो वर्णाश्रम धर्म, दैव वर्णाश्रम धर्म, दैव वर्णाश्रम धर्म के बारे में अंग्रेजी में बहुत सारी चर्चा हुआ, कोई समझ पाए तो पूरा पागल हो जाए आनंद से, कि लेकिन सुने समझे तब ना। ये दैव वर्णाश्रम ये क्या काम का है, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य अलग कहाँ है, एक ही तो है। अब जब स्वयं बताते हैं जे ये सब वर्ण आश्रम धर्म ये तो हमको करना पड़ा समाज को व्यवस्थित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा, इसके लिए मेरे को करना पड़ा। चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्व कर्तारम अहम
विद्धिमाम अकर्तरम अभ्ययम, हमने ये किया जरूर फिर भी इससे परे है हम, ये करने के लिए मजबूर है क्योंकि ना करे तो जीव कहाँ जाए। और अंतिम में अगर ठाकुर जी बताए ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्व न शूद्र ना हम वर्णि न च गृहपतिर न वनस्वतिवा वनस्वतिर्वा किंतु प्रद्वन निखिलो परमानंद पूर्णमिता धेर गोपी भत्तुर पदकमल दासु दासु। अगर आपको यही बोलना था तो ये सब क्यों ये सब व्यवस्था किए, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है अंतज है ये सब क्यों बनाया। अगर आप ही कह रहे हो ना हम विप्र न च नरपति ना भी वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्वतिर्वा किंतु प्रद्वन निखिल परमानंद पूर्णमिता धेर गोपी भतुर पदकमल दासु दास। यही अगर सच्चा विचार है यही क्यों नहीं पहले क्यों नहीं कह दिए, बोले पहले कह देते तो कैसे समझेगा नहीं ना। यही हमारा परमहंस वैष्णव लोगों के लिए यही विचार है, हमारा कोई ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है वैश्य नहीं है कुछ नहीं है, हमारा आत्मा समय के अनुसार जिस जनी में जाते रहते हैं उसी हिसाब से हमारा परिचय बन जाता है, अपेक्षिक परिचय, इटर्नल परिचय नहीं अपेक्षिक। मैं स्त्री हूँ मैं शूद्र हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं राजा हूँ मैं प्रजा हूँ ये सब विचार जो है ये तो रिलेटिव विचार है अपेक्षिक विचार, फिर भी यही होनी चाहिए, ये नहीं होने से कैसे। तो ये जो है वर्णाश्रम धर्म भी ठाकुर जी का इच्छा से ही हुआ, समाज को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है, ये भी खराब कुछ नहीं है। तो बहुत सारे चीज बताया गया, इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों का ये फेंको वो फेंको, तमाम देवता लोग हैं, देवता लोगों को निंदा करने का अधिकार मेरा नहीं है, बस इतना ही करे तमाम देवता का अधिष्ठान ठाकुर जी का चरण है और क्या, इसलिए किसी को निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चाहे वो तमगुनी देवता है ये है वो है फलाना है, ये बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो विचार ठाकुर जी बता रहे हैं गीता में ये समझना चाहिए, एते ब्रह्म रुद्राद्या नावाज्ञया कदाचन, शास्त्र में बताया हरिभक्ति सूत्रोदय में हरिरेवो सदाराध्यो, ये याद रखना है श्लोक को, हरि गुरुजी से सुनते थे सुनते सुनते याद हो गया, अक्सर कहते थे हरिरेवो सदाराध्यो सर्वदेवे सरेश्वरो, हरिरेवो सदाराध्यो सर्वदेवे सरेश्वरो एते ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञया कदाचन, है तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हरिदेव सदा रद्द, हरि सर्वदा आराध्य देवता है हमारा, हरिदेव सदा रद्द सर्वदेवेश्वरेश्वर, जितना सारे देवता है ईश्वर है सबका ईश्वर, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कर्म। फिर भी दूसरा देव देवियों को शंकर को ब्रह्मा को इंद्रों को निंदा मत करो, महाराज शास्त्रों में ऐसा है इंद्र जी महाराज ऐसा कर दिया तो निंदा नहीं करेंगे ना 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 ना, अरे महाराज इंद्र ऐसा कर दिया फलाना क्या इसमें निंदा नहीं होगी, तुम्हारा निंदा चुकली के लिए इंद्र महाराज ऐसा नहीं की, इंद्र महाराज जी ऐसा काम किए कि बाहरी जगत इसमें कोई शिक्षा ले ले, शिक्षा इंद्र महाराज किए उसका नतीजा भोगना पड़ा तो यहां तक तुम सावधान हो जाओ, जो हमारा नीति शास्त्र में है ना जे मुनिनाम च विभ्रम, अरे मुनि लोग भी उल्टा सीधा करता है देखे हैं शास्त्र में लिखा है, इसीलिए शास्त्रों डायरेक्ट पढ़ने मत जाओ, पढ़ोगे तो टट्टी पसाब निकालेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, शास्त्रों पढ़ने के लिए जाओ तो गुरु वैष्णव जिसका जिसका पास तमाम दुनिया का अनुभव है शास्त्रों का,
ये अनुभव भी ऐसे वैसे नहीं मिलता मार्केट में, ये भी गुरु जी का वैष्णव का कृपा से ही मिलते हैं। ऐसे हमने गया तो मिल गया, ऐसा नहीं। तो जो भी है ये तो देख लिया आपने, तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, इसका मतलब है ठाकुर जी कहना चाहता है त्रिगुणात्मक ये जो संसार है, त्रिगुणात्मक इसी में सारे तमाम दुनिया फंसे हुए हैं, कहाँ निकाले कहाँ जाए। त्रिगुणात्मक है ना ये जगत है, जन्म लेने का साथ साथ ही एक बीमारी, मैया का कोख से जन्म लेने का साथ साथ ही एक बीमारी पकड़ लेता है। बीमारी तो है ही है, वो तो सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर में मैया का कोख में भी है। इसका नाम है विषय रोग, विषय रोग, विषय का बीमारी, इसे छुटकारा नहीं है। क्योंकि बद्ध जीवों के लिए ये अच्छा है, किंतु माया देवी इच्छा करके त्रिगुणों का प्रभाव के द्वारा माया देवी तमाम संसार को जो बहिर्मुख है भगवान से उनको पकड़ के रखे हैं, दे आर एंगेज्ड। इसको माया का सेवा देके इसका अंदर ट्रैप, इट्स वन काइंड ऑफ ट्रैप, ये ट्रैप का अंदर रखा गया। कब तक? जब तक इसका ट्रीटमेंट पक्का ना हो, यही ये दुनिया का जो यही व्यवस्था, ये क्योंकि आसक्ति जो है बंधन का कारण, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है इनके कारण, प्रकृति के कारण हर आदमी माया में उलझे हुए हैं। सबको बंधन तो है ही है, बिना बंधन कोई नहीं चल सकता। निर्द्वंद्व का मतलब है शीतोष्णो सुख दुखादि परस्पर विरोधी भाव, ये विरोधी भाव को द्वंद्व बोलता है, निर्द्वंद्व में इसका बाहर जाना। और नित्य सत्तोस्त ये भी बताए इस श्लोक में, नित्य सत्तोस्त निर्द्वंद्व नित्य सत्तोस्त नित्य सत्तोस्तो, इसका माने क्या है? पहले तो बताया कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, ऐ निस्त्रैगुण्यो बोलने का माने है, ये निस्त्रैगुण्यो बोलने का माने क्या है? त्रिगुण का प्रभाव का बाहर जाना। फिर से द्वारा नित्य सत्व गुणाश्रित हो जाओ, अर्थात नित्य सत्तोस्तो निर्जोगो क्षेम आत्मवान। तो ये लगता है कि ये एक बार तो बोला ही है, नित्य सत्तोस्त मतलब नित्य सत्तोस्त ये जो होना है ये कोई मामूली बात नहीं, ये विचार करके सुनना चाहिए। ये जब प्रकृति का जो सत्तर जो तमगुण है, इसमें ये सतगुण जो है फिर भी अच्छा है। क्यों? कम से कम सतगुण तक पहुंचे, रजगुण तमगुण से रिहा हो गया तो फिर चलो फिर भी अच्छा है। फिर भी ये बंधन तो है ही है, सुखे इस सुख वासना में ये तो निश्चिंत, किसी का लड़ाई झगड़ा ना करे, सात्विक भाव, ये सात्विक भाव जो है ये भी बंधन का कारण है, इससे भी छुटकारा मिलना जरूरी है। ये भी प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक गुण है सतरजतम गुण, सतरुज भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भले महाराज पहले तमो रजोगुण को पराजित कर लो सतो के द्वारा, इसके बाद ये सतोगुण को भी पराजित करो करके नित्य सत्व इटर्नल जो सत्वगुण है, ये जो पक्का सत्वगुण है नित्य, ये जो है नित्य सत्तुस्त, नित्य सत्तुस्त ये जो बताया इसका मतलब यही है। तो घुमा फिरा के तो माने तो यही निकलता है। तो एक बार बोला त्रिगुण का अतीत हो जाओ अर्जुन, वेद त्रिगुणों के बारे में उपदेश किया, तुम त्रिगुण का बाहर हो जाओ, फिर नित्य सत्तुस्तों का मतलब तो यही निकाला, और क्या निकाला?
तमाम त्रिगुण को छोड़कर नित्य सतगुण में अधिष्ठान हो जाए तो इसके बाद ही ठाकुर जी का भजन करे ना करे ये सवाल आता है। गुणगत शरीर के द्वारा अप्राकृत ठाकुर जी का भजन संभव नहीं है। गुणातीत तो हरि को भजन करने के लिए हमको गुणातीत अवस्था में जाना जरूरी है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को यही पूछा था। एक जे तमाम देवता लोगों अर्चन करके शंकर देवी मालामाल हो जाते हैं लोग, और प्रायः ये देखा जाता है कि जो ठाकुर जी का भजन करते हैं वो निष्किंचन है, कुछ नहीं है, वैभव आदि नहीं। हरिर ही निर्गुणो साक्षात, ये परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का यही उत्तर है जो अभी बताया। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए, सुखदेव गोस्वामी हैरान हो, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे दिए परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ऐसा कैसे, जो गुणगत जगत में शंकर देवी लोक गणपति देवता कोई भी इसका अर्चन प्रचन करे कर लेते तो मलामल हो जाते। और एक ऐसा है स्थिति जो भगवान का भजन करने जाए गुणातीत वास उसको कुछ नहीं मिलता, मिलना मिलते में ना वो चाहता ही नहीं, मिलते काहे को नहीं, तमाम दुनिया का चीज। एक वैष्णव चाहे तो हजारों हजारों लोगों को बैठ के खिला सकता है, तुम्हारा तो इतना करोड़ पैसा है ठीक है, लेकिन उसका अंदर में इतना क्षमता कर सकता, बहुत सारे क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करना नहीं चाहता। माधवेंद्र बुरीबाद का लाखों 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 आदमी का है ना पालन पोषण कर सकता है, अगर खराब हो गया तो इच्छा नहीं है। चलो तो ये जो भाव है इधर जो है नित्य सत्तुष्ट हो, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बढ़िया उत्तर दे दिए, बहुत सुंदर परीक्षित महाराज को उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी ने। हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे है, हरि जो है ये क्या ये दुनियादारी का कोई वस्तु नहीं है। हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे बियॉन्ड एनी यू नो इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड माया प्रकृति। ये तो अच्युत है, जिस भूमिका में ठाकुर जी है अच्युत नाम ही है, कभी भी डिस्प्लेस्ड नहीं हो सकता किसी भी हालत, कोई भी ठाकुर जी को डिस्प्लेस कर दे खारिज कर दे अपना पोजीशन से खारिज कर दिया गया नहीं, ये वही नहीं सकता। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषो प्रकृति परे है, ये प्रकृति का परे वस्तु है। आर सौ सर्वद्रिक उपद्रष्टा, हर घट घट में, हर घट घट में ठाकुर जी बैठा हुआ है। सौ सर्वद्रिक मैंने सब देख रहा है, जैसे आप सीसी कैमरा लगा दिया ना उसमें कहीं भी जाओ आप आपका ये जिसमें लगा दिया वो होते रहेगा, कौन आया कौन गया कौन क्या किया सारे दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा मापिक है, ऑटोमेटिक सीसी कैमरा है, ठाकुर जी अंदर में है तो रिकॉर्डिंग होते जा रहा है, मैंने कि खराब काम किया अच्छा काम किया कुछ भी किया सारे तमाम साक्षी बन के परमात्मा तो है ही है, भागोगे कहाँ, भागने का कोई जगह तो है ही नहीं, कहाँ भागोगे। तो हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे है, सौ सर्वद्रिक उपद्रष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवेत। ओवरसियर बन के बैठा हुआ है सारे तमाम चीजों को ख्याल रखते हैं, हर घट घट में है बैठा हुआ है और सब ख्याल रखता है कौन क्या चाहता है क्या करता है। नित्यो नित्यानम चेतन चेतनांग एक बहुनाम जो भी दधाति कामान, वह अंतर में बैठ के दिख रहा है।
लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा है। ठाकुर जी सब देख रहा है लेकिन ठाकुर जी को कौन देखे, देख नहीं पाते। और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी का भजन अगर करना चाहे तो निर्गुण भजन है, गुणातीत भजन, तो आपको उसी अवस्था में जाना पड़ेगा। प्राकृत अवस्था में गुण भूमिका, गुणमय भूमिका में अवस्थित होने के कारण वास्तविक रूप से हमारा कृष्ण भजन विष्णु भजन हो नहीं पाते। ये दुख की बात है, आप हैरान हो जाओगे। हम आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहे, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आप भजन के लिए तैयार हो जाए, आपका शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। झूठा बोलना क्या काम है, बोलने बैठा है। वास्तविक रूप से गुणातीत भूमिका में जाने का बाद ही अनर्थ रहते हुए कोई कृष्ण भजन नहीं कर, काल चर्चा करेंगे प्रभुपाद का विचार हो नहीं पाता, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। सब बताते वी आर फीलिंग कंफर्टेबल हियर, अरे यही मजा है छोड़ दो, गुरु जी बोलते थे कि मजा करके भले एक ऑर्डिनरी जो डाक है ना पातिहास, राज हमसे बता रहे दोस्त चलो हमारा उधर, हम मानस सरोवर में विचरण करते हैं। अरे वो कैसा जगह है, बहुत सुंदर जगह। अरे ऐसा मापिक झील है, अरे क्या बता रहे बकवास, ऐसा मापिक झील, अरे वो देखोगे तो सर का मापिक, पागल हो जाओगे। अरे फिर भी थोड़ा जानकारी जरूरी है, यहाँ जो हम खाते रहते हैं गूगली सामूक ये सब मिलते रहते हैं, कचरा वहाँ मिलेगी, बोले दो पागल वहाँ कचरा क्या करोगे, वहाँ तो पद्म फूल का मृणाल है, कोर है। अरे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, यहीं ठीक है, यहीं ठीक है बाबा, हमको छोड़ दो, हमको नहीं जाना चाहिए। ठीक है रहो, ऐसा ही विषयी आदमी का ऐसा ही विचार है। जैसे इंद्र महाराज एक दफे सांप मिला था, सुअर बन के रह गया दुनिया में, और ये जो सांप का अंतिम समय आ गया, ब्रह्मा आ गए चलो ऊपर चलो, अरे कहाँ जाए, बोले स्वर्ग में चलो, अरे स्वर्ग का, अरे स्वर्ग में चलो अभी, वह बढ़िया जगह है, तुम तो उधर का राजा हो, अरे क्या बकवास है, वहां का टट्टी मिलेगी ऐसा सुंदर, अरे क्या टट्टी का बात कर, अरे वहां स्वर्ग है, सर्व क्या चीज है पता नहीं है, मालूम ही नहीं है, दू भूल गया, माया के द्वारा कवरिंग है। ऐसा वहां का टट्टी मिले तो हम जाएंगे, गोलोक वृंदावन में टट्टी मिलेगी वृंदावन में तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, अब तेरे को जाने का दरकार ही नहीं। ऐसा ही हालत है बद्ध जीवों का। तो ये जो भूमिका है, यहां लगता है कि ये द्वारा बोल दिया, नित्य सत्यस्तो का मतलब तो त्रिगुण, लेकिन ये तमाम टीकाकारों ने ये जो निस्त्रैगुण्य शब्दों का व्याख्या, निस्त्रैगुण्य ये शब्दों का जो व्याख्या है, व्याख्या करने गया तो गुणातीत तो शब्दों नहीं बोला, गुण का उचित शब्दों नहीं बोला। तमाम टीकाकारों ने इसका, क्योंकि वो दोबारा हो जाए ना, एक बार तो बोल चुका, निस्त्रैगुण्य शब्दों का व्याख्या समाम विश्वनाथ चक्रवर्ती है, बलदेव कोई भी है सिद्ध साईपाद, निस्त्रैगुण्य शब्दों का ये माने गुणातीत तो शब्दों नहीं बोला, सिर्फ इतना ही माना बोला निष्काम, कामना वासना से परे रहित हो जाओ, इतना गुणातीत शब्दों नहीं बोला, क्योंकि ये डबल हो जाए। और कोई कई आदमी नित्य सत्यस्त अर्थो नित्यो, कभी कभी टीकाकार है वीर रागवत, बहुत सारे टीकाकार है, रामानुजाचार्य है, माता जी को, तमाम दुनिया का कितना हजार टीका टिप्पणी है ये हम कह नहीं सकते, कोई हिसाब नहीं है। कोई कोई टीकाकारों ने नित्य सत्यस्त इसका अर्थ किया है, पहले का अर्थ किया गुणातीत, और ये नित्य सत्यस्तु का अर्थ उल्टा, नित्य सत्यस्तु का अर्थ नित्य स्तैजशील,
अर्थात फुल पेशेंसी, ठाकुर जी का जन्म विश्वास दृढ़ता, ये माने किया है। गलती किया है ये हम नहीं बोल नहीं सकते, इसमें अपराध है, क्योंकि एक एक एंगल से दर्शन करने से एक एक अर्थ निकालते रहते हैं, तो इसमें हम ये कह नहीं सकते कि ये गलत बोल दिया। इतना कह सके कि टीकाकारों ने, बहुत सारे टीकाकारों ने ऐसा अर्थ किया, निष्काम निस्तोयगुण, और कोई कोई टीकाकारों ने पहले का अर्थ किया गुणातीत, और दूसरा जो नित्य सत्वस्त इसका अर्थ किया है नित्यस्त धैर्यशील, नित्य धैर्यशील, फुल पेशेंसी, इटर्नल पेशेंसी, ये माने एक ही हुआ घुमा फिरा के। तो जो भी है वस्तुतः इसमें कोई विरोध नहीं, विचार करो तो ठीक है। और सत्वगुण को, सत्वगुण का उत्कर्ष, सत्वगुण जो है ये सत्वगुण तो गुण का खजाना है ही है, फिर भी ये दुनियादारी का, ये प्रकृति का जो सत्वगुण है ये भी हमको नहीं चाहिए, इससे भी छुटकारा चाहिए, इसमें भी रिहा नहीं मिलने वाला, इसमें ही बंधन है। और ये सत्वगुण का जो उत्कर्ष होते चले, कहने का मतलब है ये सत्वगुण जो है धीरे 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 ऐसा बढ़ते चले, अंतिम में ये गुणातीत भूमिका पे चले जाए, अर्थात नित्य सत्व इटर्नल सत्वगुण को प्राप्त किए, ये लाभ हो सकता, यही एक फायदा है। सत्वगुण को बढ़ाते चलो अंतिम में ऐसा स्थिति पहुंच गया गुरु वैष्णव के कृपा से। क्यों बोला गुरु वैष्णव के कृपा, बोले अपने आप हो नहीं सकता, इसीलिए ऐसा बोला। अब भागवत जी महापुराण में कई बार, मैं पहले भी दूसरा लैंग्वेज में किया था, उसमें बार बार हमने ये उच्चारण किए, रजस तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जयेत, कई बार इसको चर्चा की। रजस तमश्च सत्येन, ये बात को भागवत जी महापुराण में यही बात को मिलता है कहा गया, रजस्तमस्य सत्येन, रजतम को सत्गुण के द्वारा काटो काटो काटो, काट के फेंक करो। ये जो दुर्गा देवी का पिक्चर देखते हो ना, इसका भी माने हैं, समझा कि ये नीचे में है, सबसे नीचे है असुर तमगुनी, और इसका ऊपर है यू नो सिंह है लायन। महाराज तो क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, मतलब माने तो है ही है, पागल आदमी के लिए तो शास्त्रों नहीं है। गुरु जी का चप्पल पहन के कला गया, अरे गुरु जी का चप्पल क्यों पहना, अब तो क्या हुआ, हम तो दे देंगे, यही गुरु तत्व है। हम तो हंसते रह गए, क्या बात है, अरे क्या हुआ, हम तो दे देंगे गुरु जी का चप्पल। वाह सुंदर, इसी को ही भजन करना चाहिए, इसको ही दिखा हुआ है सचमुच। तो ये जो है इसका विचार ये है कि रजोगुण तमगुण को दबा रहे हैं, लायन उसका ऊपर एकदम अपना जो दबाया नाखून, चुप हो जा, दफा हो जा, ये लायन है, और नीचे असुर तमगुनी है, उसका ऊपर लायन है, उसका ऊपर जो है दुर्गा देवी, ऐसे तो विचार से रजगुनी बताया गया दुर्गा, लेकिन उन लोगों का जो चंडी पाठ है इसी में कभी कभी नारायणी नमस्तुते इत्यादि गुणातीत तो भूमिका बोल के बताया, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। अगर कोई गुणातीत तो भूमिका में सोचे तो पकड़ लेगा, वो जोगमाया है, जोगमाया तो है ही है, कत्ता नहीं जाओ, कत्ता यनी महामाये महायोगे नदेश्वरी नंदगोप सुतम देवी पोतिंग में कुरुते नमः,
यह चंडी पाठ में बहुत सारे हैं, हमारा टाइम नहीं है, नहीं तो बता देते। इसमें साबित होता है कि देवी गुणातीत भूमिका में है, और सही बात है, वैष्णव लोग के लिए गुणातीत भूमिका में है और प्राकृत जगत का लिए तो गुणमय भूमिका में। गुणातीत भूमिका में विचार करो तो इसमें यही आए, सतो शुद्ध सतो मैया, अभी रजो तमो गुण सतो गुण को भी दबा रहे, और भागवत जी महापुराण में यही विचार बताया। आनंद चिन्मयी ऐसा बताया, आनंद चिन्मयी माता ऐसा आनंदमयी। अगर आनंदमयी शब्द का व्याख्या किया जाए वेदांतों के ऊपर तो क्या निकले बताओ, आनंदमयी माँ ऐसा करके बताया कई कई बार हैं, वैष्णवी इत्यादि। ये आनंदमयी बात को चर्चा करने जाए वेदांतों के अनुसार तो पूरा खुलासा हो जाएगा, तो आनंदमयी मतलब गुणातीत भूमिका, सही बताए। तो ये जो सतगुण रजो और तमोगुण को दबा रहे नीचे, यही इतिहास है। गुणातीत भूमिका में देवी है, देवी मतलब जोगमाया देवी, उसमें कोई खराबी नहीं है, सब ठीक है। तो ये जो विचार है इसमें ये सब आता है, आते रहते हैं बहुत सारे विचार, कहाँ तक सुनोगे, हैरान करने वाला, बहुत सुंदर सुंदर। और भागवत जी महापुराण ने यही बात बताए, रजस्तमस्य सत्येन सत्तं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जायत। ये क्या है भगवान बताए उद्धव जी को, रजस्तमस्य सत्येन, रजतम को सतगुण द्वारा डिफीट करो, दबा दो, और सत्तं च सतगुण को ही नहीं रखना है, इसको भी नहीं रखना है। सत्तं च उपशमेन च, उपशम मतलब इलाज, उपशम कोई बीमारी का उपशम हो जाए, इसका मतलब क्या, उपशमेन च इसका मतलब सद्गुरु का अनुगत्व में व्रत उपवास साध्याय अध्याय सब करते चलो। उपशमेन च मतलब तुम्हारा व्रत ग्रहण करो, कार्तिक व्रत हो, पुरुषोत्तम व्रत हो, फिर तुम्हारा एकादशी आएगी, फिर जन्माष्टमी, सारे ये सब पालन करते गुरुवान वक्त। उपशमय न चो मतलब एक डॉक्टर, उपशम क्या अपने आप हो जाएगा, ये भी तो सोचो, उपशम क्या अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई डॉक्टर तो जरूर है, ठाकुर जी रखा है डॉक्टर, ये वैद्य तो है ही है। इसीलिए उपशमय न चो का अर्थ यही होनी चाहिए कि हमारा जो बीमारी है फैला हुआ, ये बीमारी को गुरु वैष्णव का अनुगत में व्रत उपवास आदि हरिकथा श्रवण उपवास करते चलो। जब जड़ जगत में बोला गया छात्रानम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए, स्टूडेंट जितना सारे छात्रों के लिए ये पढ़ाई जो है ये तपस्या का बढ़ावा, ये सही बात है। अपना जिंदगी में किया कितना तपस्या करना पड़ा, ये करो ये करो ये जरूरी है, ये कितना रात तक पढ़ाई किया, ऐसा करना जरूरी है, ये भी तपस्या है। जो लोग आयस आराम में लगे हुए हैं इसके लिए विद्या नहीं है, विद्या कदापि इन लोगों के लिए नहीं है। विद्या अर्जन करे तो तमाम दुनिया का सुख आयस आराम छूट जाएगी, और आयस आराम करने जाओ तो विद्या छूट जाए, विद्या आना संभव नहीं, विद्वान होना मुश्किल है। और अप्राकृत विद्वान होना कितना, अप्राकृत विद्वान होना तो प्राकृत विद्वान, विद्यासागर जी ने प्राकृत विद्वान है, विद्या का सागर है, रातों रात पूरा एकदम अपना चेंटी को ऊपर से बंद के रखा है कि नींद आ जाए, झोंका आ जाए नींद का और आंखें खुल जाए, तमाम विद्या को आयत्त किए, ये भी असंभव है दुनिया का आदमी के लिए है। सो छात्रानम
अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन तपस्या है, ये लिखा हुआ है। तो जो भी है ये सब इतना तक आप समझ गए कि देखो नित्य सत्वस्तो होने से, नित्य सद्गुण में अधिष्ठित होने से फिर आगे मेरा भजन का रास्ता खुलेगा। वस्तुतः नित्य सत्व गुणाश्रित जो अवस्था है एक ही मामूली अवस्था नहीं, ये भी एक किस्म का सिद्ध अवस्था, एक गुणातीत भूमिका, ये भी एक किस्म का सिद्ध है। सिद्ध बोलने से ये माने नत करो ठाकुर जी मिल गया, ये नहीं, मतलब ये है सिद्ध, ये जो शब्द है इसका कम से कम यहां से व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि सिद्ध अवस्था मतलब ये गुणातीत हो, ये गुणातीत भूमिका में पहुंच गया। लेकिन गुणातीत भूमिका में पहुंचने का बावजूद अगर भजन नहीं हुआ हो पाया तो क्या हुआ, गुणातीत भूमिका में गया तो क्या हुआ, क्या बड़ा काम कर लिया, उसका बयात करोगे, क्या करोगी, क्या करोगे, क्या करोगी, भजन करोगी या ना करोगी, क्या करोगे, ये सवाल है प्रभुपाद पूछ रहे। ये बड़ा सुंदर विचार है। और आत्मवान होने का मतलब क्या है, ये जो क्षुधा तृष्णा है तो है ही है, इसके कारण दुर्वादी संघ ये जरूरी है। लेकिन भागवत जी ने बताया कि गुणातीत भूमिका में अनायास चले जाओगे, अनायास ये तत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जाय, गुरौ भक्ता गुरुचरण में भक्ति करने के कारण चुटकी बजा के प्रकृति जय होना कोई बड़ा बात नहीं। कितना महात्मा देखे हैं हमारा ये गौरी मठ के अंदर, बड़ा अच्छा खासा महान, बड़ा बड़ा श्री बामन गोसी महाराज, श्री तीर्थ महाराज, श्री भारती महाराज, देखे हम तो लाखी है, सौभाग्यवान है गुणातीत भूमिका में पहुंचे, ये कोई मामूली बात नहीं। तो ये जो गुणातीत भूमिका में जाना ये भी एक सिद्ध अवस्था ही है, लेकिन ये काफी नहीं है। तो ये जो इसमें विचार बताया, वेरी अनायास तुम ये त्रिगुण का बाहर चले जाओगे अगर सदगुरु वैष्णव का पक्का सेवा करो। सेवा मतलब ये जो पक्का गुरु वैष्णव तुम्हारा बस संतुष्ट हो गया, बस हो गया तुम्हारा काम, संतुष्ट हो गया मतलब ठाकुर जी संतुष्ट गया और तुमको तुम्हारा गाड़ी आगे चलेगी। तो नीलकंठ जी महाभारत का टीकाकार, ये आत्मवान, आत्मवान हो नीलकंठ जी महाराज, ऐसा अर्थ किया आत्मा को जो प्राप्त किए हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार जिसका जीवन में हो पाए, ये लोग जो है खुदा तृष्णा चिंता का बाहर है, ये अपना खुदा तृष्णा एंग्जाइटी चिंता से प्रमत्त होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको ही आत्मवान कहेगा। जिनके हृदय, जिन जिन के हृदय, जिन लोगों का हृदय जिस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, चित्तो जिसका चित्त जो है ईश्वर से युक्त है, वो हर सर्वदा सदा सर्वदा भगवान का ऊपर डिपेंडेंट है, परमेश्वर में आस्था रखते हैं। अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षस्य शेति विश्वास गुप्तित्य वर्णम यथा, ये सब तो चीजें हैं, कभी चर्चा हो पाएगा उपदेशामृतों का, मनोशिक्षा का, शिक्षा शिक्षाष्टकम का, आगे अगर ठाकुर जी ले चले तो हो सके, अब बीच में तोड़ जाए तो ठीक है, जो कुछ भी हो फिर मेरे लिए अच्छा ही है, कोई नुकसान भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो ये नीलकंठ जी महाराज ऐसा व्याख्या किए हैं और इसके बड़ा भारी सुंदर विचार है।
और नेक्स्ट श्लोक में जावन अर्थो उदोपाने सर्वतो संप्लुतोदके तावानो सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। इसका अगर वर्ड टू वर्ड शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो ये आता है व्यापी कूप तराग, अगर कोई जलाशय कुएं खनन करो कुछ भी करो, ये क्षुद्र क्षुद्र छोटे छोटे जलाशय है, एक विस्तीर्ण महाजलाशय का पास पहुंच गया तो छोटे मोटे जलाशय से क्या मतलब है, क्या करे। अगर बड़ा सल बहुत बड़ा जलाशय का पास पहुंच गया महाराज तो तमाम हमारा जो प्रयजन है सिद्ध हो जाते। इसी कारण बताया गया क्योंकि वेदोक्त कर्म कांडों में जितना सारे फल निकलते रहते हैं, ये कर्म करो ये फल, ये परम एक ये फल मिलेगी, ठीक है, लेकिन ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठो या तो भगवत प्राप्त पुरुष के पास ये तमाम चीजों का प्राप्ति हो ही गया है, क्या करे सब देखे। ये तो इसका अंदर में तो क्या आशा आकांक्षा का कोई रेस नहीं है, रेसिड्यू नहीं है, शेष नहीं है, सारे समाप्त हो। और छोटे मोटे जो कर्म कांडी का जो रिजल्ट है इसमें ये छोटे जलाशयों का साथ छोटे छोटे जलाशयों के साथ तुलना किया गया। और ये अगर मिल गया ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ भगवत भक्त ये सब छोटे मोटे चीजों में क्या करे, इन सब छोटे मोटे चीजों में उलझे रहते हैं तमाम दुनिया का आदमी। इसका तो इतना भूमानंद है, इसका तो इतना आनंद मिल गया, जिसको भूमानंद ब्रह्मानंद मिल गया ना, ये सब एक्स वाई मिशन का ये सब अपना आवेश में रह के कहते हैं अरे क्यों हमको बुलाया, हम तो मछली जैसा तमाम समुन्द्र में विचरण कर रहे थे तो हमको बुला के लिया क्यों धक्का मार के। ये एक्स वाई मिशन का आदमी बताते हैं, बहुत बड़ा नाम हो गया वो लोगों का, कुछ नहीं रखा वो जो उसका जो दर्शन है वो कुछ नहीं है उसमें, टट्टी पेशाब का बराबर, फिर भी लोग उसी में दौड़ते रहते, चलो कोई बात नहीं भाग्य नहीं है, सब इसी में दौड़ते, कुछ नहीं है इसमें रखा, क्या रखा है बोलो, कहां रखा है, कहां कहां क्या चीज है बोलो, जितना सारे धर्मों का नाम में है क्रिश्चियन लोगों का ये है, क्या है क्रिश्चियन लोग क्या बताते, ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड, अरे रोटी के चक्कर में है कुत्ता का माफी, ओ गॉड अरे गॉड क्या रोटी देने वाला है, तेरा नौकर है वो तो ऐसे ही दे रहा है सब, हो गॉड सप्लाई और डेली ब्रेड, ये क्या ये प्रार्थना है, ये प्रेयर है क्या, पागलपंथी तमाम दुनिया। अरे वहां अमेरिका में शिकागो में भाषण दिया, अरे भाषण को पढ़ के हमको समझाओ क्या है उसमें, क्या भारतीय दर्शन का क्या विचार है उसमें, दिखाओ सब पागलपंथी, दिखाओ मेरे को विचार करके आप ही बताओ क्या खास वस्तु है उसमें। और खुद भी स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सबसे ऊपर है, इसका ऊपर कुछ नहीं है, महाप्रभु का कि गोपी प्रेम का जो आदर्श है ये अनोखा, ये इसका ऊपर खुद बताए, खुद ही बताया, किताब में छप दिया अभी, फिर भी मैड्रास से मिला था। तो भूमानंद जो है भूमा वस्तु का आनंद, लेकिन भक्त लोग सेवानंद मांगता है, भक्त लोग का भूमानंद से कोई क्या करे भूमानंद, अरे एक मछली का मापिक तैर रहा था समुन्द्र में कहां से बुला के लाए, भूमानंद ब्रह्मानंद भूमानंद। इसमें क्या है तमाम भोगों से मिलने वाला जो आनंद है ये सब ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के लिए क्या है, ये कुछ क्या करे, कुछ है कुछ कारण है क्या करे। ये माने वाट टू वाट अगर
व्याख्या करने जाओ तो ये माने ठीक ही है। विस्तीर्ण अगर बड़ा भारी जलाशय मिल गया तो इसमें तो तमाम हमारा क्रियाक्रम जो है, पानी लेना, पीने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, सभी तो मिले, सब हो जाए। सिलती तो महाराज कहते थे, मतलब राजस्थान में एक जगह गया, हर संतों को एक एक करके बाल्टी दे दिएगा पानी, बोले महाराज इसी पानी में नहाना है, टट्टी जाना है, खाना है, सारे तमाम कपड़ा धोना है, मैंने कैसे करे, बोले यही तो नियम है। बोले हाँफते रह गए, एक ही बाल्टी, अरे बंगला में अरे 10-20 बाल्टी तो नहा लिया है। ऐसा ही है, क्या करे जब इतना। तो ये जो है, यहां एक शब्द है सर्वतो संप्लुतो दके, ये इसका माने जो हमने अभी वर्ड टू वर्ड माने किया, ये भी खराब नहीं है, ठीक ही है, फिर भी इसका अगर गहरा माने जाए तो संस्कृत जानने वाले लोग यही कहे सर्वतो संप्लुतो दके सती, अर्थात इसका माने ये बैठता है अगर तमाम जगह पानी का बाढ़ आया, समझो क्या बता रहे, अगर तमाम जाएगा गंगा लेने, गंगा का पानी लेने गया, अरे इतना दूर गंगा का पानी लेने गया, लेकिन अगर गंगा जी हमारा पास आ जाए तो पूरा बाढ़ फैल गया चारों ओर, तो क्या होगा हैं? गंगा माता ठाकुरानी गंगा में जाने का तैयारी की अम्बारुणी में, अरे गंगा आ गई, हम आ गया देख। तो ऐसा है सर्वतो संप्लुतो दके, इसका अगर संस्कृत जानने वाले कोई है इसका माने ये निकालता है सर्वतो सर्वतो संप्लुतो दके सती, अगर तमाम स्थान ऊंचा नीचा सब पानी से भरपूर है, उदो पानी, तो ये जो माने हैं ये भी खराब नहीं है, फिर भी जलाशय जी तो छोटा मोटा जलाशय से क्या लेना देना है, तब फिर एक तो पानी तो हमारा घर में आ गया सामने, घर का सामने। ऐसा मापिक तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के ये वेदों में लिखा हुआ छोटा मोटा क्रियाक्रम से जो फल मिलने वाला है इससे क्या लेना देना है, ये तो कोई प्रयोजन है नहीं, ये तो आनंद में डूबा हुआ है। जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जान लिया, और वेद से क्या लेना देना, बाहरी दृष्टि में लगता है कि खराब शब्द है, नहीं, जस्मिन गत्ते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तिम भवति। बाहरी दृष्टि में इसमें वेद निंदा का बराबर लगता है, लेकिन नहीं, ये नहीं, प्राचीन टीकाकारों ने ऐसा अर्थ वेद में क्या प्रयोजन वेद के द्वारा, ये जो है देखो द्वारा मैं पाठ कर रहा हूं इसको, जावान अर्थो उदापाने सर्वतः संप्लुतो दके तावानो सर्वेशु सर्वेशु वेदेशु ब्रह्मण सभी जानता। वेद में क्या करोगे, क्या करोगे, क्या काम, क्या लेना देना, इसमें बाहरी दृष्टि में लगता है कि ये वेद का निंदा का बराबर, असली बात ये नहीं, ये पहले का जो अर्थ बताएं ये सही लगता है, चलो इसीलिए ये अर्थो टीकाकारों ने किया नहीं। तो क्योंकि प्राचीन कालों का बात तो छोड़ ही दो, वर्तमान समय में भी हमारा जो समाज व्यवस्था है भारत में, ऐसा तो हिंदू शब्द हम कहने का इच्छा ही नहीं है, फिर भी क्या करे, ये लोग लगाता है ये शब्द, भक्ति में ठाकुर इसका अर्थ निकाल के रख दिया हिंदू शब्दों का, ये जो है ये लोगों के लिए तो वेद तो प्राण है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सामे वेद से आधारित है, बिना आधार वेद का कोई शब्द है ही नहीं, सनातन धर्म का आधार तो वेद ही है, फिर भी सनातन धर्म बोलने से और कुछ बहुत सारे ज्यादा माने रखता है,
वेद तो है ही है, सनातन धर्म वेदों से आधारित, फिर भी सनातन धर्म कहने जाए इसका अर्थ कुछ गहरा निकालता है, बहुत सारे। और वेद में मिक्सिंग, बाहरी दृष्टि में लिखा है कर्मकांड है, ये है वो है, तमाम सारी चीजें हैं, तो ये जो है इसमें बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगी। निरुक्तो कारगण, प्राचीन कालों में जिन्होंने वेदों का बहुत सारे अर्थ निकालने का कोशिश की, मैक्स मूलर से लेकर बहुत सारे, और पहले पहले बहुत, यह नाम अनगिनत है, ये वेदों का अर्थ निकालने का प्रयत्न किए, लेकिन भगवान का निजी जन जो है ये वेदों का जो तमाम अर्थ जो है वास्तव रूप से बता सकता है। बाकी बाहर का आदमी जितना भी हो, ऋषि अरविंद जी भी, ऋषि अरविंद जी ये भी बताएं, चलो ठीक है। सिर्फ ये जो आपका जो सावित्री, ये सावित्री दीक्षा, ये सावित्री के ऊपर ऋषि अरविंद जी ने इतना बड़ा किताब लिखा महाभारत जैसा, उसमें सावित्री क्या चीज है, कैसे क्या, तमाम वेदों से उठा उठाकर बहुत गंभीर विचार। तो चलो ये लोग भी अपना अपना हिसाब से कर दिया, अनुभव तो है ही है थोड़ा बहुत। तो ये ऐसा करते करते पहले क्या है, कैसे ऐसे स्थिति पैदा हो गया, आज का जो स्थिति है ये कैसे पैदा हो गया। बोले महाराज पहले वेदों का नाम, दूसरा नाम है श्रुति, मतलब पहले जमाने में वेदों को गुरुजी से सुनने सुनते 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 मुखस्थ हो जाते, ऐसा करते करते चलते थे। बाद में जब युगों का परिवर्तन होने लगे तो उतना ताकत ब्रह्मचारी में सन्यासी में नहीं रहा, तो खो बैठा याददाश्त, इसमें क्या अर्थ जो है वो बदल गया, डिस्टॉर्टेड, मर्मांतिक, उल्टा हो गया। ऐसा करते करते दापुर युग का अंत में कितना धर्म विप्लव, इवोल्यूशन, विषम भयंकर अवस्था पहुंचे। महाभारत का अश्वमेध पर्व जो है उसमें तमाम ये सब इतिहास मिलेगी, महाभारत का अश्वमेध पर्व कितना उटपटांग शुरू हो गया, धर्म विप्लव, कोई ये माने कोई यो माने, कई रास्ता में चल कोई, अरे तब सब ठीक है सब चलेगा, ऐसा करके इस समय ये सब उटपटांग होने के कारण भगवान को आना पड़ा। भगवान को बोल जदा जदा हि धर्मस्व ग्लानिद भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व, ये जो श्लोक बताया ये तभी भगवान का ये नियम है, तब तो ठाकुर जी को आना पड़ा और बोलना पड़ा दे नहीं ये नहीं है, जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अवत अधर्मस्व तदात्मान सृजाम्य हम परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम। आप परित्राण साधुनम, विश्वनाथ चतुर्थी कहते साधु लोग तो परित्राण मांगते ही नहीं, तो कैसे बड़े परित्राम तो मांगते मांगते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना इच्छा जवान से निकल जाए हाय ठाकुर बचा लो, ऐसा निकल सकता है, अंदर में एफिनिटी नहीं है ठाकुर जी कुछ मांग ले बिजनेस मोटिव, ऐसा नहीं कि कभी कभी निकालते हैं। असली बात तो ये विश्वनाथ चतुर्थी जी ने बताए कि आपका जो विरह है, आपका विरह समुद्र समुन्दर में, आपका विरह समुद्र में डूबा हुआ है, हम लोग इससे बचा लो, ये माने किया विरह समुद्र। तो ये जो है विचार करके दिखाया, जब अवस्था अव्यवस्था फैला हुआ है, तमाम उटपटांग धर्म राज्य में विप्लव उपस्थित हुए, तो ठाकुर जी को आना पड़ा, जदा जदा ही धर्म से ये
ग्लानी भवति वा अभ्युत्थान अधर्मस्य। और ये जो कर्म कार्य कर्म बाद जो है इसको ही शास्त्र में जो गीता में ठाकुर जी बताए 42 नंबर श्लोक में वेदवाद रता, यही वेदवाद कर्म कांड में कम कर्म बाद में आस्था रखने वाले जो है इसका लिए ही वेदवाद रता ये शब्द बताया गया। ये दुनिया का आदमी का जो चिंतन है इतना उठपटांग है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये मांग रहा है, काल वो मांग, तमाम दुनिया का चीज धन दो जन दो, धनम देही जनम देही जसो देही दिशो जोही, दिशो हमारा शत्रु को मार डालो, तुम ठेका ले लो हे माताजी, इसीलिए तुमको आरती कर रहा हूं ना, अब ठेका ले लो हमारा शत्रु को मार डालो। अरे भक्तों का शत्रु है ही नहीं है। एक बार जम्मू में बहुत दिन पहले जम्मू में गया, वहां देवी पुराण का पाठ हो रहा, अरे एक माता जी बैठी है ऊपर और यहाँ का व्यवस्थापक सब आके पैर में गिरा, महाराज एक दफा चलो, हम क्या कहाँ जाए, और हमसे भी बड़े बूढ़े थे ये सब, हमारा ऊपर अब क्या करे, उधर पहुंचे झीलम नदी का एकदम किनारे, बहुत सुंदर अनोखा जगह है। और जाने का बाद बोले महाराज कुछ दो शब्द कह दो, अब क्या करे, कोई महाराज बोलने का, दो तीन महाराज था हमसे बड़े बूढ़े है वो कुछ बोलने के लिए नहीं नहीं यहाँ कैसे जाए, वो माता जी बैठी है ऊपर। अरे अरे जब बोले तो व्यवस्थापक बहुत बड़ा ऐसा आग्रह किया, महाराज दो शब्द तो कह दो आप आए हो, हम बोले चलो सब बोले हमको आप जाओ, हम ठीक है हमारा तो कोई इज्जत है नहीं, हम तो गिरे हुए इंसान है ही है, चलो हम ही चले जाए। माता जी का नीचे बैठ गए, वो तो है ही माता, ठीक है बैठो आप ऊपर, हम नीचे बैठे। उसका बाद साउंड ठीक नहीं हो रहा था, हम खड़ा होके बोलना शुरू कर दी, अब 10-15 मिनट बोल दिया तो नाचना शुरू कर दी और हमको प्रणामी मिला बहुत बड़ा भारी, वो प्रणामी को जाके हम देवी जी का जो आसन है उसमें दे दिया, चल आप ले ले, और वो बोलना शुरू कर दिया बरात। ऐसा ही है ये जो उठपटांग अवस्था, इस अवस्था में देखो हमको धन दौलत चाहिए, लड़का भी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहने वाले में ये बीमार फैल गया। जाग जग करो, ये अश्वमेध गोमेध नरमेध है नो मेद 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 काटो पीटो, अपना सुविधा को बनाओ, अश्वमेध गोमेध नरमेध ये शुरू कर दिया। ये यही धर्म लोगों के सामने ये धर्म बन के रह गया। बाद में जब धर्म विप्लव उपस्थित भाए तो ठाकुर जी आके नहीं ये नहीं रास्ता, ये नहीं गलत रास्ता है, ये लोगों का ऐसा उठपटांग विचार है, जीते जी ये चाहिए वो चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहिए ये भी चाहिए, स्वर्ग में जाके मेनका अप्सरा उर्वशी ये भी एंजॉय करे, और जीते जी ये भी चाहिए, साधु संतों को देते रहे। हमने बिल्कुल मत लो ये सब डोनेशन, ये सब डोनेशन एक बूंद भी लोगे हो लेोगे मरा जाओगे, सब साधु दो दो हमको दो ले लेने के लिए जाता है, ये सब लोगों से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं एक बूंद कुछ सहायता लेना नहीं, भजन एकदम बिगड़ जाए, तमाम दुनिया पैसा का पीछे भाग, अरे हमको दो डोनेशन 80 लाख है ना करोड़ों रुपया, अब तमाम तरक्की इसी का ही है, धन दौलत का तरक्की, खुद लिखा भी है सारे बंद हो गया सारे खत्म हो गया हमारा धन दौलत, आज क्यों तुम जो चाहा वही दिया गुरुजी, गुरुजी जो शिष्य जो गुरुजी से जो कमांचा कल्पद्रु है ना, तुमने चाहा विदेश जाएगा पैसा चाहिए इज्जत करे हमारा चरण धोए लोके, ये तो चाह मांगा था ना, तो यही मिल गया और क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वही तो मिल गया और क्या, रोने धोने से क्या है, जो मांगा वही मैं वही ले लो, ज्यादा चालाकी करो तो मरोगे,
कुछ रास्ता नहीं है। तो ये जो है ये शुक्ला यहां तक थोड़ा समझा और बाद में ये चाहिए वो चाहिए, स्वर्ग स्वर्ग में जाए, फिर स्वर्ग से आए, फिर ऐसे ऐसे करके वेद वादों में पुष्पिता वाचहा इसमें उलझ गए। वास्तविक पक्ष में ठाकुर जी वेद का निंदा नहीं किए, इसका माने हैं इसमें जो कर्मकांड है ये सब है तुम्हारा मतलब नहीं, ये वेदों का जो अपव्यवहार है, मिसयूज है, मिस इंटरप्रिटेशन, उल्टा व्याख्या, इसके द्वारा ठाकुर जी मानो की कहना चाहे कर्मवादी गणों के निंदा, वेद का डायरेक्ट निंदा, ये निंदा ही नहीं। त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुनो ये बताएगा, जो भी है उतना अगर समझने जाओ तो बहुत एक साल भी नहीं पूरा गीता। चलो ठीक है, ठाकुर जी का इच्छा से हो रहा है। और दूसरा श्लोक में ठाकुर जी बताए जे कर्मण्य अधिकार अस्ते मां फलेशु कदाचन, मां कर्म फलो हेतुर भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। समझा क्या बताया ये श्लोक में बताया गया, ये श्लोक में बताया गया जे कर्मण्य अधिकार अस्ते, अधिकार एकमात्र कर्म में है, कर्म फल में नहीं। वेदोक्तमेव कुर्वानो निस्संगो अर्पितम ईश्वरे निष्कर्माम लभते सिद्धिं रोचनार्थ फलश्रुति। भागवत भागवत जी महापुराण में वेदोक्तमेव कुर्वानो निस्संगो अर्पितम ईश्वरे, वेदोक्त कोई भी करने जाओ क्रियाकर्म, बस ये याद रखना सब फल कामना रहित होके करो, सब ठाकुर जी में समर्पित कर दो। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्संगो अर्पितम ईश्वरे निष्कर्माम लभते सिद्धिम, तभी तुमको निष्कर्म लभते सिद्धिम, तुमको ये अवस्था मिले। आ रोचनार्था फलश्रुति ही, वेदों में जो इतना सारे पुष्पिता वाचहा ये सब फलश्रुति है, रोचक है, टेस्टी है। और निष्कर्म का सिद्धि अगर मिलना चाहो तो आपको ऐसे ही करना है, वेदोक्तमेव कुर्वानो निस्संगो अर्पितम ईश्वरे निष्कर्माम लभते सिद्धिम। हा रोचनाथ फलश्रुति ही, सो अर्जुन तुम ये कर्मकांडियों का दिखाया हुआ जो पथ है इसमें मत जाओ, इसमें फंसोगे नहीं। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं। अरे महाराज ऐसा कोई पागल है कर्म करे और कोई प्रॉपर्टी एंड लॉस दे दो, कौन करे, कोई करेगा क्या हो नहीं? अगर गुरु सेवा भी करे तो हमको आचार्य बने तब ना करेगा, नहीं तो क्यों करे, क्या लाभ है। एक एक ऐसा घटना भी है गुरु जी आचार्य फेंक के चला गया, चल सन्यास पन्यास के दो गुरु जी आचार्य नहीं बनाए, चल चला गया, वो भी अभी रागानुगा भजन कर रहा है। ऐसा ही दुनिया है, उल्लू का पट्टा सब दुनिया, चलो मरो क्या करें हम। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार, फलों में तुम्हारा कभी अधिकार नहीं है। यार ये बात सुनने के लिए बद्ध जीव इसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल। मोटिवेशन इकोनॉमिक्स में एक बात आता है मोटिवेशन, मोटिवेशन ना करो तो करेगा नहीं, तो मोटिवेट करना है। तो ये जो है इसमें मोटिवेट का कोई रास्ता ही नहीं, क्या करे, बोले नहीं नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई फल नहीं मिलेगी तो क्यों करे। तमाम दुनिया फलों के पीछे है। यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्मफल सावधान होकर रहना, कर्मफल में
तुम्हारा कोई दिलचस्पी कोई आकर्षण ना रहे, कर्म प्रवृत्ति, कर्म जो है ये कर्मों का बंधन जो है गहनो कर्मणा गति ही, कर्म का गति जो है बहुत गहरा है, गहना गहनो कर्मणा गति ही, ये तुमके फंसाने वाला है दुनिया में, दुनियादारी के चक्कर में, तो सावधान होके रहना, तो फिर भी कौन सुने। और अगर कहे तो हम करेगा ही नहीं, कर्म फल ही नहीं है तो दूध तरंग करेगा नहीं। भगवान कहले देखो तुम्हारा कर्म फल में अधिकार नहीं, कर्म करने का अधिकार है, और ये भी याद रखना कर्म त्याग करने का ही तुम्हारा हिम्मत नहीं है। क्यों त्याग करोगे, क्यों त्याग करने का तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम जन्म लिया अपना संस्कार काम करो, कर्म त्याग में भी तुम्हारा अधिकार नहीं। क्या खाना पीना बंद कर दोगे, सोना बंद कर दोगे, चलना बंद कर दोगे, टट्टी पे सब, तो कर्म त्याग का क्या अधिकार है तुम्हारा, बहाना बना रहे हो। सो अर्जुन तुम्हारा कर्म त्याग में भी, कर्म त्याग करने में भी तुम्हारा विचार ना बने, ये पक्का बन के रखता हूं। ध्यान दे के सुनना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो मा कर्म फलो हेतुर भुमाते संगो अस्तु अकर्मणि। विचार करके चलना, नहीं तो पूरा उल्टा पलटा तमाम ये सब विचार करके देखना है। श्रेयपात पेयपात तुम्हारा अधिकार है कर्म में, फल में नहीं है, तुमको तुम्हारा अधिकार के अनुसार कर्म करना है, किंतु फल फलाकांक्षा करके कर्म प्रवृत्त होने का जरूरी है नहीं, कि इसलिए किया कि हमारा प्रवृत्ति है आशा रखता है नहीं, और फलाकांक्षा नहीं है इसलिए कर्म करना छोड़ दे ये भी नहीं है। ये चार जो सूत्र है कर्म योग का चतुस्सूत्री, कर्म योग का ये जो कर्म योग का चतुस्सूत्री बताया गया, जो भी है इतना तक आज रहे उपाय भी नहीं, कहां तक समझोगे, समय लगेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलो हेतुर्भुमाते संगो अस्तु अकर्मणि। वांछा कल्पतरुवस्य के पास सिंधु व्यवज पिचितानं पावन भविष्णभ्यो नमो नमः।